सर को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मैं जी बहुत जी बड़ा फैन हूँ। जी जी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि 90% ना लक है और 10% मेहनत है, क्योंकि अक्षय का एक है वो भी अनफिल्टर्ड है, उसको मालूम है वो कहां से आया है। देखो अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा ना भाई, ये वीडियो फिलहाल के समय इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और लगातार लोग इस चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं कि मतलब सीरियसली सोचने वाली बात है कि जो बंदा इंडस्ट्री के अंदर काफी लंबे समय से, मतलब सीरियसली काफी लंबे समय से 30-35 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, ना सिर्फ लगातार काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टॉप पोजिशन पर बरकरार है, बड़ी से बड़ी मूवीज लोग कहीं ना कहीं फिलहाल के समय हमारी इस एक्टर की बड़ी से बड़ी कॉमेडी मूवीज, बड़ी से बड़ी एक्शन मूवीज का लोग वेट करते रहते हैं टाइम टाइम के ऊपर। और मतलब हर एक तरह से चाहे हाईएस्ट टैक्स पेयर की बात करो, ये बंदे ने हर एक चीज के अंदर टॉप पोजीशन हासिल किया है, बट उसके बावजूद इतना अनफिल्टर होकर के इस तरह की बातें शेयर करते हैं। आपको मालूम होगा कि भाई अक्षय पाजी अक्सर आपको ये बातें कहते हुए नजर आ जाते हैं कि जितना मैंने अचीव किया है ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत लकी रहा है, और मेरे हिसाब से एक्टिंग मेरे सक्सेस के अंदर सिर्फ 10% रही और कहीं ना कहीं 90% भूमिका भाई साहब यहाँ पे मेरे लक ने मेरा साथ दिया है, जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ। और भाई इसी चीज़ को यहाँ पर रोहित रॉय ने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया है। भाई साहब रोहित रॉय आप जानते हैं रोहित रॉय के भाई हैं, और रोहित रॉय फिलहाल इसमें अक्षय पाजी की बड़ी एक्शन पैड मूवी गाइस जहाँ पे BMCM के अंदर एक पावरफुल रोल करने वाले हैं, तो उन्हीं के भाई यहाँ पर रिसेंटली रेडियो मिर्ची के साथ बातें कर रहे थे। यहाँ पर उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है, जो अक्षय कुमार बोलते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो पोजीशन उन्होंने हासिल किया है उसमें 90% लक और 10% सिर्फ उन्होंने मेहनत की। इसके ऊपर रोहित रॉय साफ तौर पर बोलते हैं, देखो कैसा है कि अक्षय कुमार एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही अनफिल्टर है, वो हकीकत आपके सामने रखते हैं, कुछ भी यहाँ पर ज़बरदस्ती फिल्टर्स नहीं रखते अपने बातों के अंदर। ये सच है कि उनका 10% बहुत पावरफुल है, उनके 10% बोलने का मतलब है कि वो 10% इतनी मेहनत करते हैं जितना हमारे लिए 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, जितना हम हार्डवर्क फिलहाल के इसमें करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई यहाँ पर वो बंदा 10% करता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ हर कोई आपको नहीं बोलेगा कि 90% यहाँ पे लक उनका साथ दिया है। लोग अक्सर आपको ये बोलते हैं कि मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे ये चीज़ें मिलनी थी, और किसको मिलती, दुनिया भर की चीज़ें कहीं ना कहीं आप इंटरनेट के ऊपर अक्सर देखते हैं, लेकिन खिलाड़ी कुमार इस तरह की बातें नहीं करते। उन्होंने जो बात है हकीकत आपको कई बार बोला भी है कि जो पोजीशन मुझे कहीं ना कहीं मिला है, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मुझे ये चीज़ें मौका मिल रहे हैं करने की, मुझे कहीं ना कहीं ये काम मिल रहा है जो काफ़ी लोगों का सपना होता है। इंडस्ट्री के अंदर मुझसे भी कई सारे काबिल लोग हैं, मुझसे भी कई ज़्यादा अच्छे से एक्टर्स हैं, चाहे लोखंडवाला देखो, अंधेरी में देखो, काफ़ी सारे बड़े पड़े, बट उसके बावजूद ये चीज़ मुझे मिलती है क्योंकि मेरा लक कहीं ना कहीं मेरे साथ है, और जब मेरा लक मेरे साथ है डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूं और मेहनत करूं और हार्डवर्क करूं। एंड इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं अक्सर अक्षय पाजी की ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ बॉक्स ऑफिस के ऊपर आ जाती है, तो ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। और भाई साहब यहाँ पर रोहित रॉय ने भी इस चीज़ को एग्री कर लिया, एंड मेरे हिसाब से ना ये काफ़ी बड़ी बात है यार, सीरियसली काफ़ी बड़ी बात है कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे पोजीशन के ऊपर हो जाते हैं जहाँ पे आप चाहें तो दुनिया भर की फेक कहानियाँ बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बंदा काफ़ी इनफिल्टर है और हमेशा से इनफिल्टर रहा है। भाई साहब यहाँ पे रोहित रॉय ने भी इस चीज़ को एग्री किया। आपके ऊपर क्या कमेंट है प्लीज कमेंट करना। भाई साहब मेरे हिसाब से इस तरह की बातें भी शेयर करनी चाहिए यार, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो काफ़ी सारे लंबा लंबा फेंकने वाले आपको मिल जाएंगे कि नहीं मेरा हार्डवर्क है ऐसा वैसा है, बट रियलिटी बहुत ही कम लोग हैं जो आपको बताते हैं विदाउट एनी फिल्टर्स। बाकी आप बताओ क्या, थैंक यू सो मच वॉचिंग अभी के लिए इतना ही, और सीरियसली यार ये बंदे की बात थोड़ी सी अलग है। बाय बाय।